तीनधारे महानदी समष्टिका सभासद नवराज छेत्रीका पिता वरिष्ठ समाजसेवी तथा लामाहट्टा हाईस्कुलका पूर्व प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद छेत्रीको 80 वर्षको उमेरमा निधन भयो। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत पर्ने तीनधारेको गोलाई पाखामा 15 दिसम्बर 1943 जन्मेका हरिप्रसाद छेत्रीको आइतबार राति 7:50 जाँदा तीनधारे रेल अस्पतालमा निधन भएको हो। तिनी लगभग 1.5 वर्षदेखि सुगर र किडनी रोगले ग्रसित थिए भने लामो समयदेखि तिनको उपचार चलिरहेको थियो। तिनले आफूपछि आफ्नी श्रीमती धनकुमारी छेत्री, तीन छोराहरू वशिष्ठ राज छेत्री, नवराज छेत्री, सुगराज छेत्रीलाई छोडी गएका छन्। हरिप्रसाद छेत्रीले खैयाबारी हाईस्कुल, मानेडाँडा हाईस्कुल र तीनधारे हाईस्कुलमा शिक्षकको रूपमा काम गरेपछि सन् 1979 तीनधारे हाईस्कुल छोडेर लामाहट्टा हाईस्कुलमा प्रधान अध्यापकको रूपमा काम गरेका थिए भने 2005 अवकाश ग्रहण गरेर हाल अवकाश प्राप्त जीवन बिताइरहेका थिए। उनी धेरै सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न रहँदै आएका थिए। विभिन्न संगठनहरूमा पनि सक्रिय रहेर समाज हितका निम्ति तिनले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेका छन्। उनी तीनधारे सिनियर सिटिजनका सदस्य, सिलगढी 60+ सदस्य थिए। यसका साथै तीनधारे साहित्य कला संस्थानको उनी संस्थापक संरक्षक थिए। 2016 गठन भएको पिपल्स वेलफेयर सोसाइटी संगठनका अध्यक्षको रूपमा रहेर उनले तीनधारे क्षेत्रको निम्ति विभिन्न कार्यहरू गरे। यसको साथै खस भारतीय हितकारी सम्मेलन तीनधारे शाखाका उनी पूर्व अध्यक्ष थिए। उनका 3 धार्मिक पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छन्। उनले तीनधारे साहित्य कला संस्थानबाट प्रकाशित विन्ध्या शुभ अभिनन्दन ग्रन्थको प्रकाशनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनको निधन तीनधारे क्षेत्रकै निम्ति ठूलो क्षति मानिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले तिनको निधनप्रति गहिरो शोक प्रकट गर्दै संवेदना व्यक्त गरिरहेका छन्। यसै क्रममा जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापा पनि सोमबार बिहानै तिनको घर पुगेर संवेदना प्रकट गरे। तिनको आज सोमबार नै तीनधारे लाल मट्टीमा दाह संस्कार गरिने परिवार सूत्रले बताएको छ। गायनेकोमेस्टिया एक कंडीशन है जिसमें जनरली यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें कि चेस्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जनरली ये बहुत सारे रीजंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये जनरली होता है। तो गायनेकोमेस्टिया से जो प्रॉब्लम है वो जो यंग जनरेशन अभी फेस कर रही है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं गायनेकोमेस्टिया का जो होने का जो रेट है या आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन है, तो आज बहुत ज़्यादा है। 10 साल पहले या 20 साल पहले इतना ज़्यादा ये कंडीशंस नहीं होते थे, लेकिन अब हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। मीन्स बहुत सारे लोगों को ये गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, जो चेस्ट का साइज है वो बढ़ रहा है। जो यंगस्टर हैं, जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो डेली एक्टिविटी मीन्स हार्डवर्क जो जिम में कर रहे हैं, उनमें किसी कारण से ये ब्रेस्ट का साइज जो है, चेस्ट का साइज वो बढ़ रहा है। तो इसमें आपको जब आप बेयर चेस्ट होते हैं या जिम जाते हैं या आप स्विमिंग पूल में हैं या बीचेज पे हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो एक्टिविटी है वो करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। रीज़न क्या है कि आपके चेस्ट का साइज बड़ा है, तो सोशली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऐसे पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप गायनेकोमेस्टिया की जो सर्जरी है वो आप कराएँ। ये बहुत ही सिंपल है, डे केयर प्रोसीजर है और बहुत ही एडवांस तरीके से हम लोग आजकल गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करते हैं। इसमें जो सर्जरी का जो स्टिग्मा है कि आपको कोई स्कार नहीं होगा, कुछ दिन बाद आपको कोई ये पता भी नहीं कर सकते कि आपकी ये गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हुई है। जनरली हम लोग जो सर्जरी करते हैं उसमें चेस्ट के साइड में जस्ट 4-5 mm का एक स्कार होता है जो की होल्स हम लोग बनाते हैं, उसके थ्रू मशीन से सारी जो प्रोसेस है, जो फैट है, ग्लैंड्स है, सारी चीज वहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। सामने कोई स्कार नहीं होता है तो देयर इज नो सोशल स्टिग्मा कि आपने कोई गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी पहले कभी कराई है। और ये सर्जरी का जो प्रोसेस है ये डे केयर प्रोसेस है। मॉर्निंग में आप एडमिट होते हैं, ऑपरेट होते हैं और इवनिंग में आप घर जा सकते हैं, और घर जाने के बाद आप सेकेंड डे से आप डेली रूटीन एक्टिविटी जो अपनी होती है वो आप कर सकते हैं। विद इन 7 आप हार्डवर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जिम जाने वाले लोग हैं तो आप जिम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 7 और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको गारमेंट्स पहनना होता है, कुछ कंप्रेशन गारमेंट होते हैं, कुछ क्लोथ्स होते हैं जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे,
वो आप पहन के आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और कुछ हफ्तों में मीन्स वन और टू वीक्स, आफ्टर टू वीक्स यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आपके जो स्कार्स होते हैं, जो स्टिचेज होते हैं, स्टिचेज भी निकल जाते हैं और आप विद इन टू वीक यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन टू डू एनी वर्क। अगर आप गायनेकोमेस्टिया से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये प्रोसीजर आपको एडवाइस करते हैं। धन्यवाद।